In bada bing bada boom, 3, 2, 1, bam. तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? यार मेरा नाम है सनी फ्रॉम डेली गेमर चैनल और आज आ गए हैं हम लोग अपने टाउन लेवल 11 फार्म टू मैक्स में। मतलब इसमें हम लोगों ने टाउन लेवल 10 को पूरा मैक्स कर दिया था और उसके बाद अब आ गए हम लोग टाउन लेवल 11 में। तो देख लो अभी चल रहा है कुछ इवेंट जिसमें कि फॉरेक्स तो स्टार बोनस मिलने वाला है, तो हम लोगों ने दो बार कलेक्ट कर लिया है, मतलब ले लिया है, कलेक्ट नहीं किया अभी हमारे ट्रेजरी में है, तो इसी वीडियो में हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। एंड चल रहा है डबल ट्रबल जिसमें कि यूज़ करना है 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन। थैंकफुली हमारे पास इलेक्ट्रो ड्रैगन अनलॉक हो चुके हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर है टाइटेनिक स्ट्रेंथ जाइंट यूज़ करना है एंड 7th एनिवर्सरी का स्पेशल इवेंट आने वाला है। इसकी वीडियो मैंने डाल दी अपने चैनल पे, तो आप लोग यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यह है पार्टी विजर्ड और यह है पार्टी वार्डन, दोनों का वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। तो अब आते हैं हमारे इस बेस के ऊपर। तो इस वीडियो से पहले मैंने बस एक वॉल अपना अपग्रेड किया है, मतलब वाइट वाला वॉल, ऑरेंज के बाद जो है आई थिंक 12 लेवल का है। हाँ, तो एक वॉल हो गया अपग्रेड क्योंकि गोल्ड ज़्यादा हो जाता है और एलिक्सर रहता है कम, क्योंकि आर्मी ट्रेन होने में कुछ एलिक्सर जाते। तो ये है सबसे ज़्यादा वियर्ड आर्मी कॉम्पोजिशन क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी ये मास माइनर, बट हमारी क्वीन लगी हुई है अपग्रेड में एंड हमें यूज़ करना है 10 जेट और 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो चलो फाइंड करते हैं एक डिसेंट सा बेस, पांडुरंगा टाइप कमज़ोर, और उसी को करते हैं हिट। तो जस्ट लाइक दिस वन आ गए हम लोग एक डिसेंट से बेस में। फर्स्ट ही सर्च है कहने को तो, क्योंकि मेरा गेम रीसेट हो गया था फिर पता नहीं क्यों। तो इसी पे करते हैं हम लोग अटैक एंड डिसेंट सा भी बेस नहीं है, बिल्कुल लो लेवल का है, बट हमारे पास हमारी क्वीन नहीं है तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डालते कुछ जैंट्स एंड टेक डाउन कर देते हैं इस इन्फर्नो टावर को एंड डाल देते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन फॉर सम फनलिंग, जो कि वो थोड़ी बहुत कर ही देगा। और यूज़ कर देते हैं अपना इसमें स्टोन स्लैमर भी, जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए था क्योंकि बेस बहुत ही है कमज़ोर, हम लोग आसानी से 100% कर देंगे। तो किंग और वार्डन को छोड़ देते इस तरफ, और वॉल ब्रेकर तो आई थिंक थे हमारे पास, नहीं वॉल ब्रेकर नहीं थे, तो इतने ही में हमें काम चलाना होगा। इधर एक आर्चर डाल देते जस्ट फॉर सम क्लीन अप एंड हील स्पेल हम लोग यूज़ करेंगे जैसे जैसे हमारा ट्रूप आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक कर देते हैं एंड फ्रीज स्पेल हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे देखते हैं किस तरह से अटैक जाता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल चुका है अंदर से एंड यूज़ कर देते हैं वार्डन की एबिलिटी, उतना कुछ ज़रूरी नहीं था यूज़ करना बट चलता है सब कुछ। एंड इधर एक हीलिंग गिरा देते क्योंकि हमारे जो माइनर्स है वो लगभग मरने ही वाले थे, और हमारे पास फ्रीज भी और अभी भी 2 हीलिंग स्पेल बचे हुए इन्फर्नो ने, तो यहाँ पे यूज़ कर देते हैं जस्ट फॉर फन आई थिंक, क्योंकि और तो कहीं पे यूज़ कर नहीं सकते हैं। एंड हम लोग फ्रीज यूज़ करेंगे उस वाले तरफ, यहाँ पे एक फ्रीज यूज़ करेंगे एंड एक फ्रीज और है तो उसे भी हम लोग यूज़ कर देंगे, बट ओके अभी यूज़ कर देते हैं, अपनी इलेक्ट्रो ड्रैगन को बचाते हैं। आई थिंक ये वाला इलेक्ट्रो ड्रैगन हमारे पास CC से आया है बट आई एम नॉट श्योर, तो 100% हो जाएगा। लूट भी मिल गया अच्छी खासी और हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन मर भी गया, उसी की बिजली से टूटने वाला था बट नहीं टूटा। ओके, किंग की एबिलिटी हम लोग यूज़ नहीं कर पाए तो लूट तो उतनी अच्छी खासी नहीं मिली बट ठीक ठाक मिल गई। रिटर्न होम आते हैं एंड करते हैं आप कुछ चीज़ों को अपग्रेड। तो सबसे पहला जो हमारा अपग्रेड प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए था इलेक्ट्रो ड्रैगन, जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। तो आज हम लोग इसे करने वाले 4 लेवल 2 जो कि है मैक्स फॉर टाउन लेवल 11। टाउन लेवल 12 में जाया गया 3 तक, तो यार 10 दिनों का अपग्रेड है 4 लेवल 2, 9 मिलियन का अपग्रेड करते हैं इसे। अपग्रेड इन बड़ा बिंग बड़ा बूंग, 3, 2, 1, बैम। तो अब 10 दिनों के बाद ये हो जाएगा अपग्रेड, हमारे पास कोई भी बुक ऑफ फाइटिंग नहीं तो हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। एंड अब हम लोग करते हैं एक मैसिव बड़ा सा अपग्रेड जो कि होगा ये इन्फर्नो टावर, तो उसके लिए करना होगा हमें ट्रेजरी कलेक्ट, तो करते ही इसे भी कलेक्ट। एंड अब लगाते हैं अपने सबसे महंगे डिफेंस को जो कि इन्फर्नो टावर इन 3, 2, 1, बैम। 10 दिन का अपग्रेड 0 हो गया गोल्ड हमारा, तो और कलेक्ट कर लेते हैं गोल्ड। एंड अब हम लोग लगाने वाले अपने सबसे प्यारे दुलारे वार्डन को, जिसके लिए कि हमारे पास इनफ एलिक्सर नहीं है, बट एलिक्सर हम यहाँ से उठाने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहले बुक ऑफ हीरो, फिर लेते हैं एलिक्सर एंड देन डार्क एलिक्सर। तो हमने सारे के सारे रिवॉर्ड कलेक्ट कर लिए हैं और हमारा पॉइंट हो गया 3000, बिल्कुल परफेक्ट।
तो अब लगाते हैं वार्डन को अपग्रेड में, 4 लेवल 7, 3 दिन का अपग्रेड है, इन 3, 2, 1 बैम। अब हमारे पास बच रहा है एक बिल्डर, तो अभी मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ बुक ऑफ हीरो क्योंकि ये वेस्ट हो जाएगा आई थिंक। 3 दिन का अपग्रेड तो चलता है यार, 7 दिन का रहता है तो बुक ऑफ हीरो यूज़ भी कर सकते थे हम लोग। एंड हम लोग का स्पीड अच्छा खासा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग और स्टफ्स। तो यहाँ पे हमारे पास बारबेरियन किंग भी है जिसे कि हम अपग्रेड कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास उतना मटेरियल नहीं है तो आई थिंक हमें कुछ सस्ता सा चीज़ लगा देना चाहिए जिसमें कि कल तक या परसों तक हो जाए। ओके, इसका एक दिन का है तो इससे लगाएंगे, पहले देख लेते हैं। ओके, 2 दिन में वार्डन मतलब 3 दिन में खाली होने वाला, तो इसे ही लगाते हैं इस विजिट टावर को 4 लेवल 4। एंड हम लोगों का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये थोड़ा सा आर्मी कंपोजिशन वियर्ड है बट हम लोग इसे ही यूज़ करने वाले हैं। एंड हम लोग ये वाला कलेक्ट कर लेंगे जो जो भी हमें अभी गेम देने वाला है। एंड 7 दिन के बाद यार स्पेशल एनिवर्सरी है, 7th एनिवर्सरी, 7 दिन के बाद नहीं 2 दिन के बाद एनिवर्सरी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि उसी दिन है क्लैश ऑफ क्लैंस का बर्थडे। तो उस दिन हम लोग आएंगे फिर से वीडियो बनाएंगे। तो स्विच करते हैं अपने होम बेस में, मतलब जो हमारा मेन विलेज है। एंड यही था यार हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ चीज़ों को किया अपग्रेड एंड किया एक वियर्ड अटैक विद वियर्ड आर्मी कंपोजिशन। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, और इसी तरह के और क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है सनी, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, गुड बाय।